मेरे एडमिट कार्ड होने पे रोज घर वाले से बहस होती है, क्या करूँ? ये समस्या सबके साथ आती है भाई। रिश्तेदार हैं और मेरे क्लोजली रिश्तेदार हैं, नाम नहीं ले सकता, वो मुझे पागल समझते हैं। मैंने अभी अभी सनी से बोला कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। बोलता कुछ काम आ गया है, थोड़ा लेट आओ। मैं नहीं 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 बिल्कुल टाइम पे ही आऊँगा मैं, और देखो बारिश हो गई, मौसम भी सनी का साथ दे रहा है। यहाँ ग्वालियर में पिछले ना 4 दिन से कंप्लीट लॉकडाउन है, मतलब दूध के अलावा कोई और दुकान नहीं खुलेगी। इसलिए अभी तक हम लोगों ने बुक्स किस किस को दी अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि अनाउंसमेंट कर भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बुक्स तो हम भेज ही नहीं सकते आपको। नमस्कार तुम्हारा, ये है ना इसी गली में ही है कोविड का, 3 है एक नहीं है, क्या बात कर रहे हो, लगा के रहो। ये देखो आज के टाइम पे ये गोल्ड है। ये किताब जहाँ छपके आती थी ना, वहाँ भी नहीं है। एक हमारा सम्राट है जो ग्वालियर का ही है, अच्छा अच्छा, उसको बुला के देनी है, क्योंकि लॉकडाउन है, कुरियर कर नहीं सकते, तो जो ग्वालियर का उसको तो दे दो कम से कम। नेशनल रस्तक का यूट्यूब चैनल वेरीफाइड क्यों नहीं है, ये सवाल पूछा है किरण ने। मैं पहले 1.5 साल पहले मैं भी यही सोचता था यार, नेशनल दस्तक जैसा चैनल वेरीफाइड नहीं है, ऐसा क्यों? लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा ना, जब शंभू भाई से मिला और उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि भाई आपका चैनल वेरीफाइड क्यों नहीं है, तो उनका यही कहना था वेरीफाइड क्या होता है। तो उनको, वो अपने काम में इतने व्यस्त है ना कि उनको है ना ये टेक्निकल वाले जो काम होते हैं ना, उन पर ध्यान देते ही नहीं है, वो सिर्फ काम पर लगे रहते हैं। और नेशनल दस्तक वेरीफाइड अगर होना चाहेगा तो 10 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है, अंजुल भाई, मेरे पास प्रीमियम प्रो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एडिट करना मुझे नहीं आता, कैसे शुरुआत करनी चाहिए? ये सवाल पूछा है कुमार आकाश ने, और मैं आपको एक बात बताऊँ, प्रीमियर प्रो एक इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ना, मतलब इतनी अच्छी कैपेसिटी है उसकी कि पूरी की पूरी एक बॉलीवुड फिल्म उस पर एडिट की जा सकती है। और आपने एक पिक्चर देखी होगी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदाड़ो, सुना है ना? वो पिक्चर है ना इसी सॉफ्टवेयर पे एडिट हुई है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे वैगनार गाड़ी होती है ना, आपको रोड पे दिखेगी ही दिखेगी, आप कहीं से भी निकल जाना, कभी भी निकल जाना, आपको एक आध वैगनार जरूर दिखेगी, ऐसा ही प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर है। ये हर एक व्यक्ति जिसको भी थोड़ी बहुत एडिटिंग आती होगी उसका सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीखते हो ना, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको बहुत बेनिफिट देगा। और इसे सीखना इतना आसान है ना, आप यूट्यूब पर जाना और सर्च करना हिंदी में सिखाओ प्रीमियर प्रो, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। अभी हमने अंकित को लिया है, कैसे हो अंकित? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? हमने बस 10 मिनट पहले ही बोला, फोन लगा कि अंकित तैयार हो गया। तो अभी हम एक्चुअली में जा रहे हैं एक बुद्ध विहार, जहाँ पे हमें झंडा लगाना है। बुद्ध विहार के मतलब टॉप पर है ना झंडा जो है वो काफी पुराना हो गया था, और उस झंडे को हमें चेंज करना है, इसलिए आज हम लोग निकले हैं। मास्क लगा के आना, मास्क। पहले हेलमेट ऐसा होता कि हेलमेट ले पहन के निकलना ही निकलना, वरना चालान बन जाएगा। अब हो गया मास्क, भैया मास्क तो पहन के निकलना ही निकलना है, बहुत जरूरी हो गया। तो ये बहुत खास बुद्ध विहार है, यहाँ से मेरी मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी और सन्नी ने यहीं से शुरुआत की थी। यार सन्नी, उस दिन बारिश हो रही थी, कैसे भूल जाएंगे यार। तो हमको है ना ये झंडा बदलना था, लेकिन हमारे आने से पहले भंते जी ने बदल दिया। तो अगला सवाल लेते हैं, पहले सारू मारू सांची और अशोक लेक की वीडियो मजगार हुई थी पढ़ाई में। नीलेश यादव बोल रहे हैं कि हम लोग पहले गए थे ना सारू मारू, और जब तुम नहीं गए थे, तुमने धोखा दे दिया था, तो उसकी बोल रहे हैं कि आप इसके ऊपर सीरीज क्यों नहीं बनाते हो, और ये कुछ पढ़ाई करते हैं उसमें उनकी मददगार होती है। तो हम लोग तो हमेशा से वो काम करते हैं, पिछले 4 महीने से इसलिए नहीं गए क्योंकि लॉकडाउन हो गया, वरना तो हमारे बहुत लंबे प्लान है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, गाड़ी में CNG जल्दी से जल्दी लगवा ले यार।
कोई है क्या जल्दी बताओ। डेविड इसको इसके ऊपर खटिया वटिया ही बांध लेते हैं सामान से तो। अरे मजाक मत कर, बढ़िया बढ़िया नमक मिर्ची स्टोव स्टोव में ले आऊंगा। अरे अरे मजाक मत कर, ये बता मुझे सीएनजी कहां से लगेगी गाड़ी में ताकि लंबे प्लान बना सके, क्योंकि आप बिना सीएनजी के तो जा नहीं सकते। और इसमें भाई से एक टेंट रख के जरूर चलूंगा, जब भी जहां भी लोकेशन मिलेगी ना अच्छी वाली वहीं तंबू लगा बम्बू गाड़ेंगे। अभिमन्यु बोलते हैं मेरे एडमिट कार्ड होने पे रोज घर वाले से बहस होती है क्या करूं। ये समस्या सबके साथ आती है भाई, सबके साथ नहीं एक्चुअली में ये भी होता है कि ना घर में पुरानी औरतें होती हैं या दादी होती हैं, वो लोग अभी भी इस चीज़ को समझने में ना असमर्थ हैं थोड़ा सा, जैसा मुझे लगा जो मैं मुझे कई सालों में महसूस हुआ है। लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं ना वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अम्बेडकराइट बन रहे हैं, बाबा साहब की तरफ झुक रहे हैं। तुम्हें कोई समस्या आई ऐसी? बहुत समस्याएं अभी भी आती हैं, अभी भी आती हैं, अभी भी आती हैं बिल्कुल। अभी क्या बोलते हैं? मैडम मानती नहीं। नहीं मैडम तो मान गई हमारी मैडम मान गई, लेकिन है ना जो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे क्लोजली रिश्तेदार हैं, नाम नहीं ले सकता, वो मुझे पागल समझते हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उनको क्या, वो पढ़े नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं उनको समझा नहीं सकता, समझाता हूँ अपने स्तर से, लेकिन कभी कभी मान जाते हैं। सुजाता बुद्ध विहार, मास्क लगा लीजिए अपने अपने कृपा करके। डेविड जो है वो चला गया, कुछ काम आ गया उसको, और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर क्या है गवर्नमेंट जो है ना इस बुद्ध विहार को तोड़ना चाहती है, और उसका कारण क्या है कि उनको है ना यहाँ पर कुछ फ्लैट बनाने हैं। यहाँ बने हुए कई साल हो गए, 10-15 साल हो गए होंगे इसको, आज तक कोई आया नहीं, लेकिन कुछ सालों से गवर्नमेंट परेशान कर रही, तो वही डिस्कशन कर रहे थे कि एक्चुअल में गवर्नमेंट से क्या बात करें, तो वही डिस्कशन चल रहा था कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। अगला सवाल है, सबसे सस्ता लैपटॉप कौन सा सही रहेगा यूट्यूब के लिए? आप लैपटॉप को लेना चाहते हो यार, मोबाइल लो, मोबाइल सबसे बेस्ट है, आपके काम भी आसानी से होंगे और आप मोबाइल जेब में रखो और कहीं भी चलते बनो। करोड़ों साल तक फंस गए थे यहाँ, बारिश हो रही है अभी भी, कैमरा गीला हो रहा है, और बोलेंगे कैमरा गीला हो रहा है तो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? अरे यार कैमरा तो वैसे गीला हो रहा था, मैं सोचा चालू भी कर लें। तेरा ही गेट अपने आप लॉक हो जाता है यार, मैं कभी नहीं करता सही में। चलो ठीक है अंकित, बाय बाय। और कुछ आइडिया आए जैसे मोबाइल ऐप वगैरह कोई ऐप है यहाँ पे जो मोबाइल ऐप डेवलप करता हो? पता करके बताऊंगा। हाँ तो ये एक चीज़ जरूरत है, अगर कोई हो तो बताना, पता करके आपको जरूर। चलो ठीक बाय। क्या सच में बुद्ध अपने जन्म होते ही कुछ कदम चले थे? ये सवाल मेरे मन में बहुत आता है। क्या नाम है, किसने पूछा है? ये है रवि। बुद्ध जब पैदा हुए थे ना तो ऐसा बोला जाता है कि 7 कदम चले थे, लेकिन मुझे ये चीज अजीब लगती है, ये संभव नहीं है। मेरा सवाल ये है कि तुम्हारा सीट बेल्ट कहाँ है? सुधरेंगे नहीं जगह। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, अभी तक हम लोग कॉलोनी में ही घूम रहे थे, क्यों मेरे घर पे आए, फिर मैंने तुम्हें उठाया कॉलोनी के अंदर ही, फिर अंकित को उठाया, फिर कॉलोनी के अंदर ही डेविड को उठाया, वो भी कॉलोनी के अंदर ही, बुद्ध विहार गए वो भी कॉलोनी के अंदर ही अंदर से, फिर दूसरे बुद्ध विहार गए वो भी कॉलोनी के अंदर ही अंदर से, इसलिए अभी तक सीट बेल्ट नहीं लगाया था। अब हम जा रहे हैं मेन रोड पे पेट्रोल डलाने, इसलिए सीट बेल्ट लगा लिया पुलिस के डर से। अंकित पराग जी का तो ये लिख रहे हैं कि मेरा सवाल यह कि सबसे ज़्यादा दलित वर्ग क्यों भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, जबकि सबको मालूम है कि बुद्ध जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस चीज़ का विरोध किया था। जितने भी गरीब लोग हैं ना उनको ये लगता है कि ना कुछ चमत्कार हो जाए उनके जीवन में, जैसे जैसे हमको लगता है ना लॉटरी लग जाए कि हम 100 रुपए खर्च करें और 1 लाख की लॉटरी लग जाए। सही बात है। तो ज्यादातर लोग जो भी है ना दूसरे की तरफ झुकाव जाता है ना, वो लोग यही सोच के जाते हैं, एक तो कुछ फायदा हो जाए, दूसरा डर से। हाँ यही होता है। और मैं आपको एक चैलेंज करके एक बात बता रहा हूँ, अगर कभी भी किसी के सामने आप लोगों के सामने जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं किसी को भूत भूतनी लग जाए तो आप चप्पल लेके जाना उसके सर में धनादन 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 मचा देना, और ये भूत भाग जाएगा। एक वायरल वीडियो देखी थी, एक औरत को ना माता आ गई थी, वो बिल्कुल ऐसे एक आदमी साथ ऐसे कर रही, वहां से दौड़ लगा तो वो कुत्ता आया, वो औरत उठ के भागी। अगर आप चाहो तो डाल देना या इसको काट देना। जब भी किसी लड़की का या महिला का बलात्कार होता है उसको उस समय माता क्यों नहीं आती? ये काटूंगा मैं। आज के वीडियो का स्पॉन्सरशिप करी है सन्नी ने फिर से,
500 रुपए का पेट्रोल डला के बहुत पैसा आ गया मेरे पास। कटनी ट्रिप ने पूछा, मेरा सवाल यह है, यदि आपकी वीडियो में कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो आप उसे कैसे डील करते हैं? नो कमेंट। मतलब यही करते हैं, नो कमेंट। मैंने सनी को यही बोला हुआ है कि यार जो भी नेगेटिव कमेंट करता है ना, सबसे अच्छा उसको जवाब देना है ना, तो उसको है ना नो कमेंट, मतलब उसको कमेंट मत करो, उसको इग्नोर कर दो। इससे बड़ा जवाब उसको मिल नहीं सकता, क्योंकि यार देखो कोई भी व्यक्ति जब मेहनत करता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, वो वीडियो में नहीं बताता है, वो जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर कोई आगे टांग खींचने लग जाता है। तो ऐसे जो टांग लोग खींचते हैं ना, उनको आप ध्यान मत दो। अगर ज़्यादातर लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं तो आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कुमार सौरभ बोल रहे हैं, भैया मैं अपनी शादी बहुत धूम से करना चाहता हूँ, आप ज़रूर आइएगा। चलेंगे क्या? मैं भी आऊँगा। और अगला सवाल है एक्सप्रेस सुब्रू न्यूज़ से, मेरा नाम अर्जुन सिंह नायक करेरा, मेरा सवाल है टिकटॉक बंद हो गया है, इससे बहुजनों पर क्या असर पड़ेगा, इससे बहुजनों को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, बताइए। इससे बहुजनों का नुकसान हुआ है डेफिनेटली, और मतलब बहुत सारे लोग थे ना, सबको है ना इतना वीडियो एडिटिंग और ये सब नहीं आता है। टिकटॉक में क्या होता था कि सिर्फ 20 सेकंड या 15 सेकंड की वीडियो बनानी होती थी, और वो भी है ना ऑलरेडी जो वीडियो बने उनको देख देख के बनानी होती थी। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा था, बहुत सारे लोग जो है ना फेमस भी हुए थे। आपने को एक डांसर सनातन डांसर नाम है ना, वो आदिवासी व्यक्ति है, जय जौहर बोलता है वो, तो वो उसको इतनी बड़ी पहचान कैसे मिली? अब बताओ वहाँ उस व्यक्ति को क्या कोई सपोर्ट करता, या अगर करता होता तो अभी तक कर लेता टिकटॉक से भी पहले, लेकिन टिकटॉक से उसको एक पहचान मिली थी। टैलेंट कितना गजब का था उसके अंदर, वो डांस गजब का डांस। हाँ, मैं खुद देखा उसके कई सारे डांस, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका डांस। तो हाँ, टिकटॉक से कई लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन जहाँ तक देश का हित का सवाल है ना, तो बाबा साहब ने यही बोला था कि जहाँ देश का हित आएगा वहाँ मैं अपने हित छोड़ दूंगा। अगला सवाल है प्रसन्ना गोडबोले, गोडबोले ही लगाना, गोड से तो नहीं लगाना, नहीं गोड से नहीं लगा, गोडबोले ही लगाना। ठीक है, ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी सही नहीं है, ठीक है, तुम्हारी इंग्लिश सही नहीं, मेरी हिंदी सही नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप जो टी शर्ट का बिजनेस करने वाले हो उनमें छोटे छोटे स्टोर पर टी शर्ट बेच सकते हो जो हमारे बहुजनों की दुकानें हों? हमें तो मिल जाए पहले। यार मजाक हो गया था, लॉकडाउन में ना इतना ज़्यादा समस्याएं चल रही है ना कि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आपका जो आइडिया है ना, ये से हम आइडिया बोल सकते हैं कि हमने अभी तक सोचा नहीं था इस बारे में। दुकान चला रहे हो ना तो आप हमें बता दीजिए, हम आपकी दुकान पर भेज देंगे। भैया हमारा दिया दीवा पेमेंट वापस आ गया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। अगला सवाल, हम आपका एक दिन में दो वीडियो चाहते हैं, सुबह और शाम का मार डालो। नहीं यार, बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत खासकर डेली व्लॉग। और एक्चुअली में क्या है ना, सुबह शाम तो हम वीडियो दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम है ना अपनी लाइफ जी रहे हैं। मतलब हम यहाँ निकले थे कुछ सामान लेने के लिए, उसका नाम नहीं बताऊंगा, हमें छुपा के रखी है। और दो चार काम थे, बंदे जैसे मिलना था, तो हमने सोचा इस चीज़ को ब्लॉग रिकॉर्ड भी करना चाहिए, आपको बहुजनों की जिंदगी दिखाना चाहिए। लेकिन सुबह शाम नहीं हो पाएगा, सुबह शाम वाला ये है। सुबह शाम ये देता है, सुबह शाम इसलिए यार कि हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली से हैं, ब्लॉग तो चलो जैसे तैसे हम डाल देते हैं। मिडिल क्लास को बोल रहा है अपने आपको? नहीं भैया, वो बीएमडब्ल्यू जो बीएमडब्ल्यू खरीदते हैं ना ब्लॉग्स में, वो बोलते हैं कि वो मिडिल क्लास है। अच्छा, तो मैं गरीब आदमी। हाँ यार, अब बहुत चलो आज के लिए इतना ही यार, अब ना घर जाके मैं सोऊंगा, और हमारा जो है ना वो लाल सांड मिल गया। वो लाल सांड समझ को पौवर लेके आ गया। नहीं नहीं, अगर लाल सांड इंग्लिश देख लेना आप क्या है वो। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, आज मैं थक गया हूँ, और कीप सपोर्टिंग। चलो कीप सपोर्टिंग डांस करेंगे। कीप सपोर्टिंग keep supporting। तो आज के लिए इतना ही, keep supporting।